मैं दोस्तों 33 चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 6.2 और इसका आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10 टू जो फेयर डाइस है आर रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7 और 9। वो कहता है कि दो डाइस है आपके पास तो इसका निकालना पड़ेगा हमारे पास कि दो डाइस के कितने आएंगे। दो डाइस 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम निकालते हैं इसकी टोटल सैंपल ऑफ स्पेस। तो अब ये मेरे पास टाइम नहीं है ऐसे निकालते हैं कि 1 1 1 जो है 1 2 1 3 की पॉसिबिलिटी है, 1 4 की पॉसिबिलिटी, 1 5 की भी है और 1 6 भी है। इसी तरह 2 1 की भी है, 2 2 की भी है, 2 3 की भी है, 2 4 की भी है, 2 5 की और 2 6 की भी है। इसी तरह मैं सारी निकाल रही हूँ ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टाइम की किल्लत की वजह से क्या करते हैं, हम इसमें जो उसने शर्तें दी हैं हम उसको निकाल देते हैं बस बाकी को रहने देते हैं। अब उसने आर का लफ्ज यूज किया है, आर का वही तरीकाकार कि आपने इसमें से भी चीज़ें लेनी है, सेट में से इस सेट में से भी लेनी, लेकिन मुश्तरक चीज़ें नहीं लेनी, ये आपने याद रखना। अब जी पहली बात ये आती है कि हम निकालते हैं सैंपल ऑफ स्पेस, टोटल सैंपल ऑफ स्पेस हमारे पास आते हैं 36। मैं इसकी टोटल नंबर लिख देता हूँ तो ये हमारे पास 36 हैं, वैसे लिखने बैठ जो काफ़ी टाइम लग जाएगा तो मैं इसके नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस 36 हैं। और पहली शब्द को कहता है कि फॉर सम इज 7। अगर मैं कहता है कि सम इज 7 है तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ लेट कर लेता हूँ जी लेट है उस बी को है तो बी जो है वो सेट किस पर होगा 7 लिखे 6 और 7 5 और 2 7 4 और 3 7 और 4 और 3 इधर आ 4 और 3 7 होगा 5 और 2 7 होगा 6 और 1 7 होगा ठीक है। तो इसका मतलब ये कितने आ गए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट जो है ये चलो लिख लेते हैं ये हमारे पास आया 1 और 6 ठीक है 1 प्लस 6 और उसके बाद 2 प्लस 5 3 प्लस 4 4 प्लस 3 5 प्लस 2 और 6 प्लस 1 तो ये कितने आ गए नंबर ऑफ बी हमारे पास आ गया जी कितना 1 2 3 4 5 6 आठ। इसी तरह वो कहता है 9 भी होना चाहिए। अब देखो 9 आपको पता है कि इस लाइन में 2 और 6 कभी भी नहीं हो सकता 3 और 6 9 होगा 3 6 ठीक है और 5 4 ठीक है सॉरी 4 5 4 5 सॉरी और उसके बाद पांचवाली लाइन में 5 और 4 और 6वीं लाइन में 6 और 3 तो इसका मतलब 1 2 3 4 तो हमारे पास आगे लेफ्ट सम इज 9 किसके आएगी हमारे पास आया इसको कह देते हैं बी तो हमारे पास सॉरी ये हमने बी लिखा तो इसको ए कह देते हैं चलो ठीक है तो ए किसके बराबर आ गया जी ये आ गया जी 3 प्लस 6 4 प्लस 5 5 प्लस 4 6 प्लस 3 तो ये हमारे पास कितने आ गए नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 कितने आ गए 4। अब हमने निकाल दी है प्रोबेबिलिटीज। अभी हम क्या करेंगे हम निकालते हैं आर इसका फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर का मतलब यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेकिन सेट की डेफिनेशन के हिसाब से जो उसमें मुश्तरक चीज़ें हैं उनकी भी मुश्तरक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सुनिए सही है बात समझ आई कि आपके पास अब दोनों को जमा करना लेकर जो मुश्तरक चीज़ें हैं उनको नहीं लिखना सॉरी यूनियन है सॉरी यूनियन ठीक है जी बात समझ आई। अगर यूनियन हम बात करते हैं तो दोनों को जमा करना लेकिन उसमें से दिखा दे निकालना। अब देखो इसके लिए हमें ए तकाते बी चाहिए तो क्या है ए तकाते बी दोनों में मुश्तरक ए और बी ए क्या है हमारे पास ये वाला इसमें 3 प्लस 6 है इसमें नहीं है इसमें 4 प्लस 5 4 प्लस 5 नहीं है इसमें 5 प्लस 4 नहीं है और इसमें 6 प्लस 3 नहीं इसका मतलब ये खाली सेट है तो मुश्तरक तो नहीं ना आती इन दोनों में इसका मतलब खाली सेट है तो आप लगाएं वैल्यू जी तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी खाली सेट ही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तकाते बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0
ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ जाएगी, जीरो का, ये क्यों ऊपर तो कुछ नहीं है तो ये जीरो है। तो क्या अगर ये हमारे पास बराबर आ जाएगा, इसको छोड़ देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है जी, कितना आई है हमारे पास, ये भी निकालनी नहीं आती, तो हम निकाल लेते हैं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए जी किसके बराबर है जी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सॉरी नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 4, और सैंपल स्पेस कितना है आपके पास, 36 है, तो 4 एक बार 4 कितना होता है, 8 4 बार 36, 8 9 बार 36, ठीक है, सही है जी। और नंबर ऑफ, इससे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्या आ गया इसका, तो क्या आ गया 6 ओवर 36, तो क्या आ गया 1 ओवर 6। तो अब हम सारी वैल्यू लगाते हैं, ए की वैल्यू कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/9 जमा बी की क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। तो अब करो जी इसको, दोनों का जोड़ आपका क्या आएगा, जोड़ आपका निकालने निकालना आता है 3, 3 2 6 और 3 3 9, 3 2 6 और 6 3 18, इसका मतलब 18 इसका आ गया लगाकर, अब 9 2 18 और 2 1 2 जमा 6 3 18 3 1 क्या आ गया 5/18 और वो 0 0 वैसे करा, ठीक है। तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप जो है रोल्ड करते हैं तो आपका सम 7 और 9 वाला कितना आएगा, 18 बार करेंगे तो 5 दफा ये चीजें आएंगी, सही है, ठीक है जी।